तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं लिथियम बैटरी है, और मुझ पे एक कमेंट आया कि जितना मेरा जो है आउटपुट यहाँ पे चार्जर पे जितना वोल्ट है उतना वोल्ट ही मिलना चाहिए, उसी हिसाब से हमको एक चार्जिंग मॉड्यूल बना के दीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, जैसे कि आपको और इतना डायोड नहीं लगेगा, ना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, ना ही लाइट लगेगा, बस आपको ये सारी कंपोनेंट्स चाहिए। एक जो है यहाँ पे जो पिन आपको चाहिए, इस जो भी जैक रहेगा उसी पिन के अनुसार एक कनेक्टर और एक एलईडी, एक रेजिस्टेंस और एक डायोड, बस और कुछ नहीं चाहिए। एकदम सिंपल सा आपका मॉड्यूल चार्जर बन के रेडी हो जाएगा, पूरा सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पर हम यहीं पे अगर यहाँ पे कनेक्शन करते हैं इसका, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कौन सा हमारा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कौन सा मेरा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। तो जैसे मैं पावर इसे देंगे और एक एलईडी को आप यहाँ पे टेस्ट करके देख लेंगे कौन सा हमारा पॉजिटिव है। एलईडी का तो साइन पता है, इधर वाला जो बड़ा लेग है ये हमारा, यानी कि लाइट में अगर यहाँ बड़ा है, ये नहीं कि बड़ा छोटा रहा था, ये इधर वाला जो बड़ा लेग है अभी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ज़्यादा मात्रा में इधर मेटल है, तो ये नेगेटिव है, इधर कम है पॉजिटिव है। तो हम इस तरह से देखते टच करके, हाँ जल रहा, ज़्यादा नहीं जलाएंगे नहीं तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। तो आप ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसी हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। और यहाँ से मैं इसे निकाल लेते हैं, और सबसे पहले और डायोड जो है, डायोड को मैं इधर लगाऊंगा, जो ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक साइड जो है कब से नीचे साइड रहेगा, ऐसे रहता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमने डायोड को कनेक्ट कर लिया, आप देखो पा सिल्वर कलर का जो लाइन है आपको नीचे साइड रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके, आपको जिस हिसाब से रेजिस्टेंस चाहिए, ये मेरा थोड़ा ज़्यादा उम्र का रेजिस्टेंस है, ताकि हमारे जो है लाइट उतना ज़्यादा नहीं जले, उतना पूरा लाइट में एकदम तो पूरा लो जले, वही मेरा काफ़ी है। सिर्फ सिग्नल हमको चाहिए कि हाँ ये पावर आ गया है। तो अब हम इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, हमारा डायोड और रेजिस्टेंस एक जगह पे कनेक्ट है। अब इस लाइट को हमें कहाँ लगाना है, तो इस लाइट पे हमें लगाना है एक यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस पे इस तरह से। तो पहले हम नेगेटिव वाला जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, इस वाले लेग पे जो पिन जो हमारा है जैक है, इसे लगा लेते हैं यहाँ पे। तो हमने लाइट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव वाले पे, और पॉजिटिव वाले को जो हम इस रेजिस्टर के साथ जो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो लो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट जो है हमें एक डायोड से निकालना है, और पॉजिटिव वाला डायोड से निकालना है, और यहाँ नेगेटिव वाला हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो नेगेटिव वाला हमको कनेक्ट कर लेना है येलो वायर के साथ, और पॉजिटिव को हम यहाँ पे डायोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो लो हमारा ये सर्किट कंप्लीट है। अब चलिए देते हैं पावर। तो जैसे हम यहाँ पे पावर लगाएंगे, हाँ अब देख पा रहे इसमें जो पावर आ चुका है, और हमारा लाइट जो है ग्लो कर रहा है, रेड ब्लू, और हम आउटपुट में जो है इसे चार्ज कर देंगे किसी बैटरी को। पॉजिटिव को जोड़ देंगे पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव को जोड़ देंगे येलो के साथ। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है, इसे साइड कर देते हैं, पूरा नॉर्मल जो है सिंपल, एकदम सिंपल सा चार्जिंग मॉड्यूल है ना, बहुत सिंपल सा चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे बन चुका है।
और ये गाइस आप सोच रहे हो कि आपको तो पता है, लेकिन किसको नहीं पता है वो हम बता दे रहे हैं डायोड किस लिए लगाए हैं। जैसे कि मेरा मान लीजिए कि हम पावर कट गया, पावर यहाँ से नहीं मतलब यहाँ से नीचे जो लाइन है उस लाइन मान लीजिए हम काट दिए हैं, यहाँ से कट कर दिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा लाइट बंद हो गया, यानी कि जो इस बैटरी का पावर यहाँ पे खाने वाला नहीं है। नहीं तो अगर हम डायोड यहाँ पे हटा देंगे तो क्या करेगा, लाइन चला जाएगा फिर भी हमारा यहाँ पे लाइट जलेगा और पता चलेगा कि नहीं ये तो मेरा चार्ज है, मेन स्विच ऑफ है, लेकिन जो जलेगा बैटरी से जलेगा वाह ये लाइट। और अभी जो है इस डायोड की वजह से सिर्फ एक साइड से इसका जो है करंट फॉलो हो रहा है, बैटरी वाला इधर पावर नहीं आ रहा। तो इससे क्या हुआ, जितना आपका जो है इसमें पावर है सब स्टोर रहेगा लाइन जाने के बाद भी, और जैसे ही पावर आ जाए बस फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। सिंपल तरीका सा ये चार्ज मॉड्यूल है। इससे अच्छा आप चाहते हो तो किसी पीवीसी पाइप में इसे फिक्स कर दें और बढ़िया लगेगा, है ना। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।